कहते हैं ना कि गुनहगार कितना भी चतुर हो लेकिन पुलिस जब दबिश देती है तो गुनहगार बचकर कहीं नहीं जा सकता। और इसी कड़ी में जहानाबाद के एसपी जब सुनील कुमार मस्ताना हत्याकांड में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर इस हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए और उन्हें सफलता हाथ लगी। इसी कड़ी में जहानाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र के निजामुद्दीनपुर के पास सुनील कुमार मस्ताना और उसकी पत्नी को गोली अपराधियों द्वारा मारी गई थी, जिसमें सुनील कुमार मस्ताना की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। इस कांड को लेकर एसपी दीपक रंजन ने आज मामले का खुलासा करते हुए कहा कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 3 लोगों को के पास से पुलिस ने हथियार और गोली के साथ साथ एक जैकेट भी बरामद किया है। गिरफ्तार लोगों में अजीत कुमार, श्याम देव कुमार और नरेंद्र कुमार शामिल है। एसपी ने बताया कि 3 अग्निशस्त्र अस्त्र, 5 कारतूस, काला रंग का जैकेट, 1 ब्लू रंग की अपाची मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल भी बरामद किया है। एसपी ने बताया कि मृतक सुनील कुमार मस्ताना झाड़फूक का काम किया करता था और इन 3 अपराधियों में 1 अजीत कुमार, जिसकी माता और सुनील कुमार मस्ताना की गहरी दोस्ती थी और इस गहरी दोस्ती में झाड़फूक से जो कमाई करते थे उसी को लेकर उसका आर्थिक स्रोत माना जाता था। साथ ही अजीत कुमार जो कि अपराधी है उसके दिमाग में यह बात चली कि अब मेरा नौकरी भी नहीं लग रहा है और पूरे मामले में मुझे इस जादू तंत्र के टोने से प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही साथ सुनील कुमार मस्ताना ने अपनी बेटी की शादी में रुपये के लेन देन अजीत कुमार की माँ के साथ किया था और उस ग्रुप में वापस करने में काफी आनाकानी किया करता था। हत्या का कारण यही है। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। साढ़े 12 बजे के आसपास निजामुद्दीनपुर रोड पर सुनील कुमार मस्ताना उम्र करीब 50 वर्ष अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और वहाँ वो किराए के मकान में रहते थे और काको मोड़ त्रिमुहानी पर उनका एक क्लिनिक है और उस क्लिनिक में वो धनतेरस की पूजा करने जा रहे थे। हर साल वो जाते हैं और उसी वक्त जो ही वो घर से बाहर निकले तो अपराधकर्मी 2 आते हैं और उनको गोली मार देते हैं सर में। उनकी वहीं घटनास्थल पर मौत हो जाती है। घटना की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत ही पुलिस भी बल पहुँचता है। मैं भी वहाँ तुरंत पहुँचा और उसी वक्त SIT मेरे अंडर में काम करना शुरू कर दी। घटनास्थल के आसपास के जितने भी दुकान हैं या मकान हैं उनकी CCTV फुटेज की जांच की गई मेरे अंडर में जो टीम थी उसके द्वारा। उस आधार पर हम लोगों को कुछ सूत्र हाथ लगे, कुछ फुटेज हाथ लगे कि इसमें अपराधकर्मी कौन थे, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वो फुटेज हैं जिसमें आपको अपराधकर्मी CCTV फुटेज है, अपराधकर्मी आपको दोनों दिखाई दे रहे होंगे ये भागते हुए, और उसमें से एक जो है ब्लैक पहना हुआ है, ब्लैक जैकेट, और एक जो है वो वाइट जैकेट पहना हुआ है। ये ब्लैक जैकेट यहाँ पर रखा हुआ है, हम लोगों ने उसको बरामद किया है जो उस वक्त जिस अपराधकर्मी ने पहना हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी होने के बाद हमने उसके समय बरामद किया है। डॉक्टर इसमें सुनील कुमार मस्ताना जो है अपना एक खुले हुए थे चिकित्सालय काकुमर त्रिमुहानी पे और वहाँ उन्होंने लिखा हुआ था अपना नाम कविराज डॉक्टर सुनील कुमार मस्ताना, साइकिल लेके आया था। और उसके बाद से जब ये सभी चीज़ें बरामद हो गईं तो बरामद होने के बाद फिर हम लोगों ने इन सबों से जो पूछताछ की तो इन सभी ने अलग अलग भी इस अपने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट हो इसको दिया और इस हत्याकांड में अपनी पूरी संलिप्तता उन्होंने स्वीकार किया है। और जो घटना का कारण था उस घटना के कारण के बारे में यही था कि इसमें मेन अक्यूज़ अजीत कुमार है, इसने अपनी बर्बादी या जो कहिए अपना नौकरी न लगना, वो जो हताशा थी उसके पूरा जिम्मेदार सुनील कुमार मस्ताना को मानते हुए हत्या की जो योजना बनाई थी उसी में उसके ये 2 सहयोगी थे, उन्हें 2 सहयोगियों के माध्यम से इसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया। और फिर विशेष टीम जो SIT बनी थी उसको मैंने हेड किया था, उस SIT ने बहुत अच्छे से काम करते हुए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया और सच्चाई जो है आज आपके सामने है। पैसे का लेन देन जो है वो मेन इशू नहीं था कि पैसे का क्या लेन देन था, मेन इशू ये था कि अजीत कुमार को पूरा विश्वास हो गया था क्योंकि वो इन सभी चीज़ों में भरोसा करता था तंत्र मंत्र के, और उसको ये लग गया था कि जब तक वो सुनील कुमार मस्ताना को
नहीं मार देता है तब तक उसकी बर्बादी या जो उसका जीवन है वो सही नहीं हो सकता है। कोई नाजायज संबंध वगैरह भी था सर अभी उसकी मां जो अभी पूछताछ वगैरह आ रही है उससे ये बात आई थी कि सुनील कुमार अस्थाना और इनके बीच में संबंध काफ़ी प्रगाढ़ थे। उस बिंदु पर अनुसंधान करने के बाद हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि वहाँ पर जाते थे और झाड़फूँक करते थे। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? इनकी गिरफ्तारी इनके घर से हुई है, जो टीम बनी थी इन तीनों की गिरफ्तारी उनके घर से की गई है। अच्छा, दो अन्य लड़के थे उनकी क्या सफलता रही? पैसे पे आए थे या नहीं? वो इसके दोस्त थे और इसके साथी आए थे, वो उनको इनको लेके आया था, उनको ये बात ये बोला था, कन्फेशन में भी इसने बताया है कि ऐसी ऐसी बात है, और इस सब चीज़ों को देखते हुए वो सब इसके साथ आए थे, पूरे सहयोग में इसके साथ आए थे। हेट्रेड को लेके है और ये बिल्कुल पैशनेट क्राइम है, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे आदमी को एकदम जिम्मेदार समझता है अपनी सभी चीज़ों के लिए और उसको मारने के प्लान बनाता है। चाहता अभियुक्त तो जो भी घर के लोग थे उनको भी वो निशाना बना सकता था, या इनफैक्ट जो विक्टिम उनकी वाइफ को, लेकिन उसका निशाना केवल और केवल सुनील कुमार मस्ताना ही थे और उसने फिर उनको हत्या किया और अपने मकसद में क्या कामयाब होने के बाद फिर वो जो है भाग गया। लेकिन हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और SIT के काम की वजह से ये तीनों अपराधकर्मी जो इसमें शामिल हैं उनको पकड़ा गया और जो भी चीज़ें इसमें बरामद की गई अपराध में जो यूज हुई थी सभी को बरामद किया गया। एक साल से प्रयास पिछले साल भी इसने प्रयास किया था, इसने स्वयं कन्फ्यूज किया है।